चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी कहते थे, डू नॉट डिमांड लव, बिगिन टू लव, यू विल बी लव्ड। और जैसा उन्होंने कहा था वैसा ही हुआ। इस देश के लोगों के हृदय में उनका अलग स्थान था, इसलिए सब उन्हें प्यार से सीआर या राजा जी बुलाते थे। और जन कल्याण हेतु किए गए कार्यों के लिए उन्हें इस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न दिया गया। परंतु जिस समय इस देश में अनगिनत स्वतंत्रता सेनानी और जन कल्याण कार्यकर्ता हुआ करते थे, उस समय राजा जी ने ऐसे क्या कार्य किए थे जिसके लिए उन्हें प्रथम भारत रत्न दिया गया, आइए जानते हैं। सी राजगोपालाचारी। राजा जी का जन्म एक साधारण परिवार में वर्ष 1878 में हुआ और पेशे से वो एक वकील थे। जब वो तमिलनाडु में वकालत का अभ्यास कर रहे थे, तब एक दिन अखबार से उन्हें एक ऐसे वकील के बारे में पता चला जो साउथ अफ्रीका में सिविल डिसओबीडियंस कानून के विरुद्ध अपनी लड़ाई लड़ रहा था। और ये वकील और कोई नहीं, मोहनदास करमचंद गांधी थे। गांधी जी बिना किसी हिंसा के अपनी लड़ाई लड़ रहे थे, जिससे राजा जी अत्यधिक प्रभावित हुए और राष्ट्रपिता के इस संघर्ष के बारे में सबको सूचित किया। इस घटना के बाद वर्ष 1919 में गांधी जी के साथ राजा जी की व्यक्तिगत बातचीत ने उन्हें देश के स्वतंत्रता संग्राम में पूरी तरह से शामिल होने के लिए, अपना कानूनी पेशा छोड़ने के लिए प्रेरित किया। उनके बीच संबंध इतने मजबूत हो गए थे कि महात्मा गांधी राजा जी को अपनी अंतरात्मा का रक्षक कहते थे। तो ये हुई चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी के राष्ट्रपिता के साथ संबंधों की बात। चलिए अब जानते हैं उनके राजनीतिक सफर के बारे में। राजा जी के लिए मानवता और समानता सर्वोपरि थी, इसलिए वर्ष 1900 में सेलम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की चेयरमैनशिप संभालते ही समाज में समानता स्थापित करने के लिए उन्होंने पहली बार कॉरपोरेशन में एक दलित सदस्य की नियुक्ति की। उस समय इस देश में दलितों की स्थिति काफ़ी खराब थी, जिसके खिलाफ वर्ष 1924 में राजा जी ने केरल में वायकॉम सत्याग्रह शुरू किया और इस कुप्रथा के विरुद्ध अपनी आवाज़ उठाई। वहीं वर्ष 1935 में भारत को आंशिक स्वतंत्रता मिल गई थी और भारत में प्रांतीय चुनाव का आयोजन किया गया और मद्रास प्रेसिडेंसी के चुनाव में राजा जी को अद्भुत विजय प्राप्त हुई। उन्हें प्रीमियर के पद से सम्मानित किया गया और उन्होंने सबसे पहले द टेम्पल एंट्री ऑथराइजेशन एंड इंडेमनिटी एक्ट 1939 पास किया, जिसके बाद दलितों को मंदिर में जाने की समानुमति प्राप्त हुई। उनके इस निर्णय के कारण उन्हें घोर आलोचना का सामना भी करना पड़ा, परंतु उनके लिए अपनी लोकप्रियता से महत्वपूर्ण समानता और मानव अधिकार थे। इन सब के बीच एक समय विश्व युद्ध दो का आया, जब गांधी जी भारत छोड़ो आंदोलन का आरंभ कर रहे थे, लेकिन राजा जी इस विषय पर उनसे सहमत नहीं थे। उनका कहना था, देयर इज़ नो रियालिटी इन द फॉन्ड एक्सपेक्टेशन दैट ब्रिटेन विल लीव दिस कंट्री इन सिंपल रिस्पॉन्स टू अ कांग्रेस स्लोगन। उनका मानना था कि जब इंग्लैंड विश्व युद्ध में जूझ रहा था, उस समय वह विद्रोह सही नहीं था। राजा जी के इन विचारों ने संसार को उनकी करुणा का परिचय दिया। इस देश को पता चला कि वो जितने दयावान अपने लोगों के लिए थे, उतने ही अपने दुश्मन के लिए भी। अपनी राजनीतिक उपलब्धियों के अतिरिक्त राजा जी एक प्रखर लेखक भी थे। उनकी सबसे लोकप्रिय कृतियों में अंग्रेजी में महाभारत और रामायण का पुनर्कथन और तमिल में रामायण चक्रवर्ती थिरुमगन शामिल है। अब आया वर्ष 1947, भारत को स्वतंत्रता मिली और राजा जी का सबसे बड़ा सपना साकार हुआ। फिर जनवरी 1950 तक राजगोपालाचारी जी को प्रथम गवर्नर जनरल के पद पर नियुक्त किया गया। वो पहले और आखिरी भारतीय थे जिन्हें इस पद पर बैठने का अवसर मिला। और फिर आया वर्ष 1954, जब भारतीय राजनीति और साहित्य में उनके योगदान के लिए उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। राजा जी के जीवन दर्शन से यह पता चलता है कि उनकी कथनी और उनकी करनी में कोई अंतर नहीं था। उन्होंने इस देश के लिए अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए, जिसके लिए भारत समन्वय परिवार उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करता है। इस देश के अन्य भारत रत्नों की विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब करें भारत माता चैनल।